तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने भल स्कोर करते तो मो तरफ से कंग्रेचुलेसन। तो जो मैंने भल स्कोर कर न तो मन दुख कर ना। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स मान कमेंट रोला कि मोर 213 रही रिचेकिंग करी किए कौन मुझे 430 रखी मुझ रिचेकिंग करी। तो रिचेकिंग केमी करेंगे अप्लाई करो आव डेट प्रकाश। तो रिचेकिंग आ रिएडिशन कले मार्क बढ़े ना कमे। तो संपूर्ण भाव में भिडियो मध्यम डिटेल्स जानवा तार पूर्व जब आपको भिडियो टी बेले इनफर्मेटिव लगुता है तो भिडियो निहते पे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को अल बटन में सेट कर दिखाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिचेकिंग आ रिएडिशन कौन। तो रिचेकिंग तुम्हारे खाता को आउ थे देखा जाए। तो रिएडिशन में तुम्हारे खाता को देखा सहित आउ थे भलसे तुम मार्किंग कराए। तो मोर कम मार्क रही रिचेकिंग करी ना रिएडिशन। तो जो मानक कन्फिडेंस अच्छी कि मोर मार्क बढ़ो मुझ रिचेकिंग रिएडिशन अप्लाई करी तो से मोर सजेसन हो तो दुईटा जाक से अप्लाई करूँ। तो अप्लाई केमी कर तो अप्लाई करा कथ कहे तो आज दुई तीन दिन भितर तुम अप्लाई डेट टी बाहरी तुम्हें कलेज निज प्रिंसिपल सहित कथ अप्लाई कर नचे तुम मोबाइल फोन में बस अप्लाई। तो कितने टाँग लगे ना रिचेकिंग 100 टाँग। तो रिएडिशन 100 टाँग गोटे गोटे सब्जेक्ट वाइज। तो आपको 100 टाँग देखा पड़ो। तो तुम जो सब डाउट रोचे तो गोटे सब्जेक्ट कि दुई सब्जेक्ट तुम जो सब्जेक्ट डाउट रोचे तो चाहिए तो आपने सब सब्जेक्ट रिचेकिंग आ रिएडिशन अप्लाई कर। तो आपने तो समस्त जानते कि 48,000 पिला फेल होती। तो ये डाउट रोचे कि आम रिचेकिंग आ रिएडिशन पकेले तो मार्क बढ़े ना कमे। तो रिचेकिंग रिएडिशन कले मार्क बढ़ी था कहीं पाला कन्फिडेंस था कि आम सब्जेक्ट में नंबर रही था तो इतनी नंबर रही कौन तो से क्षेत्र में पाला मार्क बढ़े। तो जो मैंने 210 उपर रखे गोटे सब्जेक्ट में फेल हो से मैंने जमा भी वरीड हूँ ना कहीं इंस्टेंट एग्जाम रही आ गोटे सप्ताह पर इंस्टेंट एग्जाम डेट बाहर। तो जो मैंने इंस्टेंट एग्जाम देते तो से आराम से पास करेंगे आ रेगुलर पिला सहित पढ़ी पारे। तो जो मैंने दुईट रू तीनो सब्जेक्ट में फेल होती तो से नेक्स्ट इयर पर वेट कर। तो नेक्स्ट इयर से कंपार्टमेंटल एग्जाम देते तो जो सब्जेक्ट में फेल हो तो से पेपर वर्क को क्लीयर कर।